सो है फ्रेंड्स, वेलकम टू माई न्यू वीडियो। आप देख रहे हो बी प्रो इन एबेकस। आज हम देखने वाले 4 डिजिट एडिशन सब्ट्रैक्शन, मतलब ये हमारे एबेकस लेवल 4 चालू है करंटली, और इसमें हम बस ये बेसिक कंसेप्ट देख रहे हैं। तो इस पर ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बना दी थी, और इस पर मैं बस और एक दो ही वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बहुत ही इजी कंसेप्ट है ये। आपको भी बहुत ही इजी लगेगा, क्योंकि इसमें बस 4 डिजिट नंबर आए हैं हमें। जैसे थर्ड लेवल में 3 डिजिट आए थे, तो इस बार से 4 डिजिट है। तो ये भी सीखना वैसे ही इम्पोर्टेंट है जैसे हम बाकी कंसेप्ट सीखते हैं। तो ये काइंड ऑफ बेसिक कंसेप्ट है, पर हम इसके बाद और भी नए कंसेप्ट सीखने वाले हैं फोर्थ लेवल में। बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है फोर्थ लेवल। तो चलो फिर फिलहाल ये टॉपिक क्लियर कर लेते हैं। तो आज हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे इस 4 डिजिट वाले। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल में 1322 से 1322 प्लस 1121, ये 1121 प्लस 1221, ये 1000 ऐड किए। अब मुझे 200 ऐड करने, तो उसके लिए ऐसे -3 + 5, फिर 20 ऐड करने, तो फिर से -3 + 5, और फिर 1 ऐड करना है, तो वो तो डायरेक्टली हो जाएगा। सो अपना आंसर आ गया है, वो है 3664। 3664 फिर है 3334 -1314, 1314 माइनस की, फिर है +2400, 0 यहाँ पर 0 है, तो एंड 4। सो आर आंसर इज 4424, 4424। उसके बाद है 4311 -3120। अब 20 माइनस करने के लिए यहाँ पर -10 + 8 और 0 है, मतलब यहाँ से कुछ भी माइनस नहीं करना। फिर है +2212, ये 2000 ऐड किए, ये 200 ऐड किए, अब यहाँ से 10 ऐड करने, मतलब ये जो 1 है ना ये ऐड करना है, वो 10th डिजिट के प्लेस पर है, वो 10th डिजिट है, इसलिए 10 कहा। तो वो एक ही है, तो ये 1 ऐड करने के लिए -9 + 10, और ये 2 तो यहाँ पर एज इट इज़। सो आर आंसर इज 3403, 3403। उसके बाद है 3234 -1223 प्लस 1412। सर आंसर इज 3423, 3423। फिर 4422 -1311 +1221, अपना आंसर है 4332, 4332। फिर 1423 +1020, 1000 ऐड किए, यहाँ पर 0 है 100 डिजिट पर, तो यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं होगा थर्ड रॉड पर। फिर 20 यहाँ पर, और ये 0 है, मतलब कुछ भी नहीं। फिर -1342, ये 1342 माइनस हो गए। सर आंसर इज 1101, 1101। फिर 2314, 2314 +2110, 211 और 0 है, तो कुछ भी नहीं। फिर -3212, तो ये 3212 माइनस की। सर आंसर इज 1212, मतलब 1212। उसके बाद है 3214, 3214 -2111, ये 2111 माइनस हो गए। फिर +3131, 3131। सर आंसर इज 4234, 4234। तो ये एक रो हो गई है कंप्लीट। अब हम एक और रो देखते हैं। तो ये हमारी सेकंड रो, इसमें हम देखेंगे 4231 -2231, ये सब माइनस हो गए। फिर +1322, सो आर आंसर इज 3322, 3322। आगे हमें दिया है 1212 +3131
-1212. So our answer is 3131, 3131. 3131. Where 1232 plus 1211 minus 2331. So our answer is 112, matlab 112. 4134 minus 3023 plus 2132. So our answer is 3243. 3243. फिर है 3421 माइनस 2111 प्लस 2123 सर आंसर इज 3433 3433 फिर है 2123 प्लस 1221 माइनस 2341 ये एकदम डायरेक्टली हो रहा है. हमें बस एक दो एग्जांपल्स में फॉर्मूले आए थे पर बाकी ये बेसिक है इसलिए इन्होंने बहुत ही इजी दिए हैं. इसलिए वीडियो थोड़ा छोटा ही बनेगा इसलिए मैंने ज़्यादा एग्जांपल ट्राई किए क्योंकि ये फर्स्ट रो बस 5 मिनट के अंदर ही कवर हो गई थी 4.5 मिनट में. तो इसलिए मैंने ये सेकेंड रो भी कंटिन्यू करी और मतलब आप बस प्रैक्टिस करते रहो. ये बहुत ही ईजी टॉपिक है बहुत ही बेसिक और बहुत ही ईजी. सो आवर आंसर इज 1003. उसके बाद हमें दिया है 2431 माइनस 1320 प्लस 2312. सो आर आंसर इज 3423. लास्ट एग्जांपल में 3312 माइनस 2012. ये 2000 माइनस की या ज़ीरो है तो यहाँ से कुछ भी माइनस नहीं होगा डायरेक्टली यहाँ से 12 माइनस हो गए. तो ये ज़ीरो भी आपको याद रखना है ये कहाँ है तो उस रॉड पर से आप माइनस नहीं करोगे ना. अगर वो भूल गए तो गलत हो सकता है. फिर है प्लस 3132. सो आर आंसर इज 4432. 4432. सो इसी के साथ ये रो हो गए है कम्प्लीट और आज का वीडियो यही एंड होता है. आई होप आपको ये समझ आया हो. आप बस प्रैक्टिस करते रहो बहुत ही ईजी टॉपिक है. हम और भी आगे फोर्थ लेवल में बहुत ही नए कंसेप्ट सीखने वाले हैं. इसमें मल्टीप्लिकेशन के भी नए कंसेप्ट से जो मल्टीप्लिकेशन अपना हो गया है तो उसके कुछ एडवांस वर्जन है उसमें थोड़े दूसरे टाइप्स है वो भी हम देखेंगे. तो आप बस मेरे साथ बने रहो ऐसे एबेकस रिलेटेड वीडियोस के लिए. मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो लाइक कर दो. इस वीडियो को अगर ये पसंद आया तो शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करके पूछो कोई डाउट हो तो. मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय.